ये इस साल की वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, कोई भी ओल्ड या फिर कॉपीड वीडियो नहीं है। हेलो गाइस, आई एम आदित्य धाकरे और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में हम अच्छे मार्क्स से क्लास को कैसे पास करें, हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे सब कुछ फॉलो करना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये इस साल की वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, कोई भी ओल्ड या फिर कॉपीड वीडियो नहीं है इस, ठीक है ना। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं गाइस, है ना, हम सब लोग रोज़ स्कूल जाते हैं क्योंकि अब तो स्कूल ऑफलाइन हो गए हैं। मैंने आपसे एक वीडियो में पहले भी कहा था कि अब सब कुछ ऑफलाइन ही होगा, आपके एग्ज़ाम्स भी ऑफलाइन होंगे अब, और आपका क्या कहते हैं टेस्ट, आपकी जो भी सब कुछ ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो हमें, जैसे हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, हम लोग एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं, है ना। आप शाम को या फिर रात में आप अपना बैग लगाते होगे उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, कि जैसे मान लीजिए आपको मंडे को आपको इंग्लिश का पीरियड है आपके स्कूल में, फिर मैथ का, साइंस का, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी पीरियड है, आप उस अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को लेके जाते हैं और वही चीज़ आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो वैसे ही टाइम टेबल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल का एक टाइम टेबल, मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही एक सेपरेट टाइम टेबल आप अपने घर के लिए भी बनाइए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए स्कूल से आने के बाद आप ट्यूशन चले गए, ठीक है ना, आपने एक घंटा आपने ट्यूशन में अपना कर ली, पढ़ाई कर ली, फिर आप जब घर पे आते हो तब आपको घर के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी। आप चाहो तो दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट भी पढ़ो, अगर मान लीजिए आपका 8 सब्जेक्ट है, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, जितने भी हैं, आप दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, 4 पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको घर में 4 घंटा देना है पढ़ाई में, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कह रहा हूँ मैं, मिनिमम कह रहा हूँ, आपका ट्यूशन छोड़ के, स्कूल ट्यूशन छोड़ के सेपरेट 4 घंटे देना है आपको। उसमें से आप 3 घंटा अपनी स्टडीज करिए और जो 1 घंटा जो उसमें है उसमें आप अपना स्कूल का पेंडिंग वर्क कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए सर ने आपसे कहा कि आपको अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो आप वो सब लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी पेंडिंग काम नहीं है, आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तो आप उस टाइम में भी अपना कुछ याद कर सकते हो या फिर आप अपना ब्रेक कर सकते हो उसमें, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ करनी है हमें, ठीक है ना, क्योंकि इस साल सब कुछ ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम्स भी ऑफलाइन होंगे, स्कूल भी ऑफलाइन ही चल रहा है, पहले की तरह ऑनलाइन नहीं है कि जूम पे आपने ऐड कर लिया, गूगल फॉर्म से एग्ज़ाम दे लिया, ये सब नहीं है पहले की तरह, ठीक है ना। पहले के अभी 2020 से लेकर के 2021 में, ठीक है ना, जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो समझ लीजिए यूज़लेस है, क्योंकि वो गूगल फॉर्म्स पे हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, आपके सामने गूगल रखा होगा, कुछ भी रखा होगा, ठीक है ना। आप समझ ही रहे होंगे, है ना, जिन लोगों ने किया है वो लोग तो हंस रहे होंगे, है ना। तो मेरा एक पॉइंट ये है कि हमें एक अच्छे से टाइम देना है अपनी स्टडीज़ में, हमें सीरियस होना है। अब तो बहुत हो गया, अब तो हमें सीरियस होना ही पड़ेगा क्योंकि अब सब कुछ ऑफलाइन हो गया है पहले की तरह। कोरोना से पहले तक जो सब सीन था वही अब फिर से हो गया, तो हमें एक तो टाइम देना है और साथ ही साथ हमें अपनी कंटिन्यूएशन, मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन कर लिया अपनी स्टडीज़ कर ली, फिर आपने 1-2 दिन के बाद ब्रेक कर लिया कि आप आज पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना, ये सब नहीं। हमें हर दिन, पूरे वीक में, पूरे मंथ में, पूरे ईयर में हमें हर दिन पढ़ाई करनी है, अगर आपको अच्छे मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है तो। सॉरी। उसके बाद ये है कि अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो रही है, ये चैनल मैंने आपके लिए खोल रखा है, आपको किसी चीज़ के लिए अगर डाउट है, आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हो कि आपके चैनल पे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ICSE बोर्ड का 9th से लेकर के 12th क्लास तक का, ठीक है ना, उसके पहले का नहीं, 8, 7, 6 इन क्लास का नहीं। तो जो भी चीज़ रह गई हो मेरे से, मिस हो गई हो, वो चीज़ आप मेरे को कमेंट में बोलिए, उस पर वीडियो आएगी,
समझ रहे हो ना आप? ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये है कि अपनी डाइट, मैंने एक और वीडियो में कहा था कि हमें अपनी डाइट को नॉर्मल डाइट हमें खानी है, अच्छे से खाना खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, कोई भी चिप्स फ्राइड चीज़ें जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गया, बर्गर हो गया, ये सब नहीं करो यार, ये सब मत करो, ये सब बिल्कुल बेकार चीज़ें, कभी कभी खा लो, महीने में एक दिन खा लो बस, बहुत है, ठीक है ना। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का पॉइंट ये था कि मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा है कि वो अभी भी पढ़ाई में सीरियस नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक पे एक वीडियो मैं लाता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मेरे दोस्त ऐसे हैं, तो और भी जगह पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी स्टडीज़ में सीरियस नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। तो मेरा मोटिव ये था इस वीडियो का कि हमें पढ़ाई में फोकस करना है बस, और कुछ नहीं है। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत हुआ है कि मतलब अरे भैया ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, इसका आंसर कहाँ है, इसका ये सब क्या, कुछ नहीं है यार। वो मेरे चैनल पे ज़्यादातर मैंने 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट के सब चैप्टर के सॉल्यूशंस दे दिए हैं, बोर्ड आप जानते हैं 10 ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस पेपर मैंने सॉल्व अपने चैनल पर डाल रखा है। आप क्लास 10th का मेरा अगर वो चेक करोगे प्लेलिस्ट तो उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और बस यही था आज की वीडियो में कि पढ़ाई कैसे करनी है और आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ को करना है, समझ रहे हो ना आप। जैसे अपना स्कूल जाते हो, स्कूल भी आप जाओ, स्कूल में आप ऐसा मत करो कि आप स्कूल में एक दो दिन जा रहे हो फिर आप एब्सेंट हो रहे हो, ऐसा मत करो। स्कूल भी जाओ, अपना ट्यूशन भी जाओ, और घर पर आके अपना 2-3 घंटा आराम से कर लो, पढ़ाई कर लो 4 घंटा, है ना। तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, एक चीज़ मेरे को अभी सुनने में आया है कि अब से ICSE क्लास 10th के लिए मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश के पेपर में शायद अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, शायद मैं कह रहा हूँ, पक्का मेरे को अभी पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं शायद कह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो उसकी वेबसाइट पर CISCE की, उसमें ये कहा गया शायद कि अब से जो क्लास 10th का जो बोर्ड का जो पेपर आएगा इंग्लिश का पेपर 1, उसमें आपको बस अब वैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मतलब जैसे आपका मतलब आपका जो बस बेस क्लियर करेगा वो, मतलब जैसे मान लीजिए आपसे कोई टफ क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा पहले की तरह कि बहुत मतलब घुमा के पूरा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं, आपका ऐसे दिया जाएगा, ये सब दिया जाएगा और एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाएगा, बस ऐसा मैंने सुनने में आया है। और बस ये था, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस हर वीडियो की आपके पास आती रहे सबसे पहले। चलिए बाय बाय, टेक केयर।